अच्छा, ये दाल गोश्त जो है ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो फिर हलीम बन जाता है। एग्जैक्टली तो ये ऐसी डिश है कि जो हर शख्स बनाने की कोशिश भी करता है। जैसे कि जब अक्सर मुहर्रम के अयाम हो या ये खास अयाम जैसे हैं, इसमें हलीम ज़्यादातर बन रहा होता है गलियों में अक्सर जी। तो अक्सर लोग जो है ना वो खुद भी बना रहे होते हैं। एक तो प्रोफेशनल लोग होते हैं, खुद होते हैं जो खुद से कोशिश करते हैं बनाने। तो आपने कभी हलीम या दाल गोश्त खुद से बनाया ना? हाँ बिल्कुल, बहुत दफ़े बनाया, बल्कि मैं शौकीन हूँ खाना पकाने का। अच्छा, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना लेता हूँ और वक्त और हालात ने सिखाया ये। और मैं हलीम बनाने का इस कदर शौकीन हूँ। अच्छा, कि जहाँ हलीम बन रहा होता है वो मेरे दोस्त ना भी हो तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं वहाँ अपनी हाजिरी दे देता हूँ माशाल्लाह। और वजह उसकी ये कि मुझे लगता है हर हाथ का जायका अलग होता है। जी जी, आप जितने लोगों का हलीम खाए बनाया हुआ, जी जी, और ये मुहर्रम के अय्याम में या इस किस्म के जितने भी दिन हैं उनमें लोग हलीम न्याज बतौर बनाते हैं। जी जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का हलीम अलग होता है। हाँ, सबके हाथ में टेस्ट अलग होता है। एक कॉलर है, अगर इजाजत दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तब तक मैं आपकी इजाजत से कुछ कर बिल्कुल बिल्कुल जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बहन? ठीक ठाक हैं। कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा गिलानी है। हुमा, मैं लाहौर से बात कर रही हूं। लाहौर से हुमा गिलानी, कैसी हैं मेरी बहन? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी। हुमा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं हम लोग ना यहाँ से गिलानी है, हम लोग भी आपके साथ हैं, हम लोग आपके हर वो जो है मस्जिद में जाते हैं, हर कलाम पाक सुनते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए आप। अच्छा बेटा ये बताइए कि आप चूँकि ज़ाहिर आप खाना वगैरह बनाती हैं घर में? जी, तो ट्राई करते हैं बस बनता है। अच्छा, चलो कोई ऐसी रेसिपी जो आप शेफ उरूज से पूछना चाहती हूँ वो जरूर पूछिए। जी, हमने कराची बिरयानी के बारे में पूछना था। किसके बारे में? कराची बिरयानी कैसे बनानी है? कराची बिरयानी कैसे बनानी है ये बताइए। कराची बिरयानी बिल्कुल नॉर्मल बिरयानी की तरह बनती है, मगर उसके आगे कराची जब आप लिख देते हैं तो आप जान लें कि वो बहुत तेज मिर्चें होती हैं, चटपटी होती है। तो हम लोग आलू बुखारे की क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं और लाल मिर्च की भी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। कराची बिरयानी के अंदर एक और ख़ास बात ये होती है कि हम लोग कश्मीरी मिर्च डालते हैं उसके खिलते हुए कलर के लिए। अच्छा, तो बहुत आसान होती है। ये भी ज़रा डाल दें अगर आप, इसके अंदर गोश्त भी डाल दीजिए, ये दाल भी डाल दीजिए। कराची बिरयानी के बारे में मैं भी आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ जी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली चीज़ जो सीखी थी वो कराची बिरयानी थी। अच्छा, और वो ऐसी बनी थी कि एक हमारे बड़े अच्छे चैनल ARY पे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हो रहा था, तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। अरे वाह, YouTube पे है ये मौजूद। यानी आप इसका मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा। नदीम भाई, बड़ी खुशी होती है जब इतना मल्टी टैलेंटेड हमारे पाकिस्तान में लोग, और फिर खासतौर पर हमसे प्यार करने वाले, हमसे प्यार करने वाले भाई हमारे इतने टैलेंटेड हों। मैं जी कुछ कहना चाह रही हूँ जी, मैं इसके अंदर अब हम लोगों ने गोश्त था वो हल्का सा गला लिया था क्योंकि टाइम की कमी होती है हमारे पास, बट जनरली गोश्त जो है वो इस पॉइंट पर गल जाता है। ये यखनी है जो कि मैंने अलग रखी हुई थी। सही, अब ये वो यखनी है जो कि आपने गोश्त को गलाते वक्त बनाई थी। बनाई थी, ओके। मगर जनरली आप पानी के साथ गोश्त यहाँ पर इस पॉइंट पर डाल के ढक्कन बंद करके 2-3 घंटे इसको पकने दें। मेरे पास टाइम की वो होती है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट होती है, तो मैं थोड़ा सा गोश्त काफी चीजें आप पहले से करके आ जाती है, तो मैं ये चीजें जरा पहले से। अब ये जी चने की दाल जा रही है इसके अंदर, और अब ये बहुत कोई मजेदार खुशबू आ रही है मुझे, और मैं अपना फर्ज अदा करूंगा यहाँ होने का कि मेरा रोजा है और